जय जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं तो मस्त टहल रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ सारी अपने घर से, थोड़ा सा इधर बकरियां ले जा रखी हैं, उधर दीपक चोदी करके आएंगे। अच्छा मस्त करके चलो, छोड़ता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको यहाँ का रास्ता क्या मस्त है। शानदार, एकदम शानदार नज़ारे, गाँव की ठंडी ठंडी हवा, प्योर ऑक्सीजन, सब इधर ही है। चलो, और वहाँ पे है हमारा नेचुरल धारा, धारा यानी कि नेचुरल वाटरफॉल, वहाँ पे कपड़े धोते हैं लोग। हाँ यहाँ का नज़ारा देखो दोस्तों, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। नीचे सोच के तो आया था कि क्रिकेट खेलूंगा गाँव में, लेकिन यहाँ बरसात का मौसम, और खैर जहाँ हमारा फील्ड है जिधर हमने पिच वगैरह बना रखी है पूरे, उधर फिसलन हो रखी है, फिसलन यानी कि पत्थर पत्थर है उधर, तो फील्डिंग करने में दिक्कत, तो कोई नहीं आ रहा अभी खेलने। तो अभी देखो ये मौसम क्या सेट हो रहा, सेट भी क्या, बारिश का मौसम हो गया बहुत, बस बारिश ना आ जाए, भागना पड़ेगा घर, फोन भीग जाएगा। बहुत मस्त है इधर दोस्तों। ये हमारा गाँव है, तीन डिवीजन हमारे गांव के, एक डिवीजन उधर जिसका नाम गांव है, एक डिवीजन उधर है जिसका नाम चुपरियाड़ा है, और एक डिवीजन ये है जिसका नाम सारी है। और वो है मेरा घर, ये येलो कलर का। चलो आगे चलता हूँ मैं, यहाँ पे लोग लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं जमा करके, बिल्कुल बरसात के टाइम के लिए, बरसात आती तो नहीं लेंगे घर, क्योंकि बरसात में गाँव जंगल आना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये पत्थर देखो आप दोस्तों, ये है मेरा इंटरनेट स्पॉट, अपने घर से मैं यहाँ पे आता हूँ इंटरनेट चलाने। यहाँ पे फुल टावर आते हैं आइडिया के, एयरटेल के, जियो के, मस्त 4G 5G चलता है, एकदम फुल स्पीड में चलता है इधर नेट, घर में तो चलता नहीं तो इधर ही आना पड़ता है। ये ऊपर ऊपर जाना है अभी, ऊपर तक उधर मेरे भाई लोग बैठे हैं बकरियाँ वगैरह लेके। चलो वो देखो जा रहा है उधर ही, उसे वो भी ऊपर ही जाएगा, ये रे लगे हैं बैल लेके। क्या बोल रहा, ये है क्या बे, बारिश हो रही है दोस्तों बहुत तेज। तो बारिश तेज हो रही है दोस्तों, हमें जाना पड़ेगा छानी में, आपको दिखाऊंगा छानी। ये हमारे माल्टे का पेड़, तो ये हमारी छानी का रास्ता, वो हमारी छानी, छानी यानी कि टेम्पररी हाउस, दिखाऊंगा। ये है दोस्तों हमारी छान, छान का मतलब होता है टेम्पररी हाउस, यानी कि जब बरसात का टाइम होता है हर, हम अपने डंगरों को यानी कि जो हमारी बकरियां बैल वगैरह होते हैं उनको हम जंगल नहीं ला पाते हैं खिलाने के लिए, तो हम उन्हें लेके इस टेम्पररी हाउस में आ जाते हैं एक मौसम के लिए, एक बरसात के मौसम के लिए। टेम्पररी चीज़ें हल्की फुल्की, बस जब तक बारिश का मौसम रहे यहाँ रहते हैं, और यहीं आसपास उन्हें चराते हैं, फिर वापस यहीं आके खाना वगैरह बनाते हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ रखा रहता है। देखो इसकी हालत देखो, बहुत पुराने हैं, मेरे दादा के टाइम से बना हुआ है ये, तब से चल रहा है, रिपेयरिंग होती रहती है इसकी हर सीजन, जैसे ये हमने बनाया था पिछले सीजन, पिछले साल। चलो देखो मौसम, आये हाय कोहरा पड़ गया दोस्तों, बकरियाँ भीग रही हैं ऊपर, इधर ही लेके आएंगे भी उन्हें। अरे भाई उपाद, अबे फिर गिर, ये देख। और जो आपको ये तार दिख रही है दोस्तों, ये तार सीधा आगे बढ़ी है कंटर से, जिसमें लगा है आवाज वाला, ये देखिए। तो इससे क्या होती है, जब चिड़िया वगैरह हमें भगानी होती है तो इसे खींच के आवाज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे चिड़िया चुड़िया जो भी खेत में बैठे रहते हैं सब भाग जाती है। चलो चलते हैं अंदर। वाओ बारिश के बाद खूबसूरत नजारा दोस्तों, ये देखो ये कोहरा लगा है, दूर से बादल दिख रहे होंगे लेकिन एक्चुअल में है ये कोहरा। वो देखो मेरा भाई ऊपर जा रखा है अभी, मैं तो हूँ इधर लेट रहा था, ये मैं अंदर, वो रहा मेरा घर। चप्पल टूट चुकी है, टूट अब नो एकदम कड़वा हो रहा है, और बड़ांग लगी है देखो वहाँ, उस सामने दिख रहा होगा आपको।
देखिए अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए और इनका गांव है बोल रहे कि विकसित है हमारा गांव पर इनका गांव अभी आज हम पीकेपीआर ब्लॉग में आए हैं और ये पीकेपीआर भाई है गुताड़ी कौन सा सिंह बोल और हम नीचे दिखाओ भाई साहब ये है हम चलते हैं थोड़ा आगे घूमने जा रहे हैं आज हम और भैया जी फेस हमारे ही दिख रहा है भाई अच्छा और अपना खूबसूरत सा गांव तो दिखाइए आप पूरा दिखा दे भाई खूबसूरत तो नहीं है बस थोड़ी सी तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारे गांव की वो थोड़ा मेरा नानी का गांव इधर इसलिए कह रहा हूँ वरना तो बोलने की वो नहीं है मुझे भुट्टी साला भुट्टी भुट्टी जितना ये रास्ते से मारे उसमें तो आता है दोस्तों स्कूटी के हो गए बुरे हाल आज बारिश में खड़ी रही तो काम कर भाई दिखा दो स्टार्ट नहीं हो रही है यही प्रॉब्लम है इसमें तो इसकी हो गई थी बैटरी डेड भाई ने कर दी सही अब जाएंगे घूमने भाई जिंदाबाद दोस्तों रोज की तरह श्यामपुर फाटक में पंगा खोपड़ी दौड़ साली चल 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 मेरा हेलमेट तो उसी में रह गया कोई बात नहीं पर छोड़ तो दोस्तों आउटडोर के लिए आ रखे बाहर है भाई तो आज क्या हुआ थोड़ा मूड उदास भी है खुश भी है पता नहीं कैसे समझ नहीं आ रहा आज आया हमारा रिजल्ट 5th sem का और उसमें ऐसा करेगा जो केमिस्ट्री थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें उसकी ऑलमोस्ट 99% बच्चों की बैक है बैक जो इंग्लिश में लिखते हैं उनको देख के उसने 34, 35, 36, 37 नंबर ऐसी 37 भी किसी को नहीं है 36 है हाइस्ट और जो हिंदी में लिखता है उनके 24, 25, 26, 27, 29 उसके सबसे ज़्यादा 29 और सबसे कम 25 ऐसी देख के उसने और भांग में कॉपी चेक करिए मतलब जाएंगे मार्क्स किसी को नहीं मिले मतलब ये कुमला की बात इंग्लिश वाले को हाई 36 और हिंदी वाले को 29 सब बच्चों की बैक लगी सब बच्चों की बैक है 99% तो कल जाएंगे कॉलेज में मिलते हैं आपको तब दोस्तों कल MD साइट बहुत तेज बारिश लग रही थी तो उसके बाद का नज़ारा था ऐसा था कि देखने लायक था बहुत खूबसूरत था सामने एम्स था और इधर गंगा जी और ये सुंदर सुंदर पेट और ये सुंदर तो चंदू आया था मेरे को छोड़ने अभी ये गाड़ी खराब हो गई थी बैंक तो मिलते हैं आपको कुल नॉन भेजिए बोल वीडियो गाड़ना ये नाम क्या इन्होंने डालना रूबीना मिशेल ढंग से क्या बताना बता तो रहा हूँ तो वो हुआ ये दोस्तों मतलब हुआ ये दोस्तों कि हमारा जो कुत्ता है मिंटू वो लगभग हमारे साथी था जब हम 8 बजे वहाँ से आए जहाँ हमारा नेट चलता है उधर हमारा साथी था वहाँ से एकदम से भागा हो और पता नहीं कहाँ गया दांत मारे लोग मिंटू मर गए अबे यार फिर से निकल गया वो पकड़ा पकड़ा भाग गया भैया भाग गया कुत्ता अरे नहीं कर दिया चचन छोड़े लू फिर भाग गया दोस्तों फिर से हमारे साथी था गांव में बांध के रखते जनरली कुत्ते खोला तो आज फिर मजे ले रहे 8-9 बज गए अभी रात के यहाँ बाघ वगैरह कभी डर होता है तो ऊपर से एक बाघ ने इधर को यहाँ एक ऊपर वाले मकान में कुत्ता था उसको उठा दिया था बिल्कुल एक बंदे हमारा खटैक साफ लेके भाग गया था इसलिए लगे सब उसे बुलाने पे मिंटू 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 एक घंटा हो गया लगभग बुलाते बुलाते आ ही नहीं रहा था अंधेरा हो गया पूरा वो देखो कुछ नहीं मिल रहा चाचा के हाथ लगा था चाचा ने छोड़ दिया और ये है हमारी जस्सी जस्सी ओ अरे इसको लाया गया फाइनली घर मेंटो सारा ला संकुल रात को बड़ी जगदोजहद करने बाद मिंटू मिला और उसके बाद मैंने अपनी एप्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी था तो मेरा पुल का डे लेकिन वहाँ पुल का कोई जुगाड़ था नहीं कोई बाहर वगैरह था नहीं तो मैंने अपनी टोटली जितनी भी एप्स की एक्सरसाइज हुई सारी निपटा दी अपने कोड को बिल्कुल टाइट कर